हमारी स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर मौद्रिक नीति के गुणात्मक साधन के बारे में पढ़ेंगे। परिमाणात्मक साधन हमने पढ़ लिया था, अब हम गुणात्मक साधन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बारी बारी से देखते हैं गुणात्मक साधन क्या है। तो सामान्य साधनों के अलावा आरबीआई कुछ निश्चित क्षेत्रों में विकास हेतु अथवा अलग अलग क्षेत्रों में निर्धारित असर पहुंचाने के लिए गुणात्मक साधनों का उपयोग करता है। इसलिए विकास कार्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए आरबीआई हमेशा गुणात्मक साधनों का उपयोग करता है। गुणात्मक साधनों में स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करेंगे सुरक्षा के आवश्यकता। सामान्य प्रजा को जब व्यापारी बैंक ऋण देती है तब वह ऋण वापस आए इसकी सावधानी बैंकों को रखनी पड़ती है। यानी सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि व्यापारी बैंक जो ऋण देती है उनको ये सुनिश्चित करना है कि जिसको ऋण दिया जा रहा है वो बैंक को सही सलामत लौटा दे। कभी कभी होता क्या है, इससे बैंक लोन लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को करती क्या है, इसीलिए बैंक क्या करती है उधार देने से पहले कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेती है। जैसे कोई प्रॉपर्टी का कागज, जेवर, ये सारी चीजें क्या करती है बैंक गिरवी रखवा लेती है, ताकि हो क्या अगर कोई लोन ना चुका पाए तो गारंटी के रूप में जो सामान जमा है, जमीन का कागज है, जेवर है और भी कई चीजें जमा रहती है बैंक के अंदर, तो उसको बैंक बेच कर अपना ऋण पूरा कर सके। इतना समझ में आया आपको? चलिए और ये तो सुरक्षा की आवश्यकता है। इसी में एक बात और नोट कर लीजिए कि आरबीआई हमेशा ये सुनिश्चित करना चाहता है कि देश में अधिकतम लोगों तक ऋण की पहुंच बढ़े। यानी देश का गरीब से गरीब तबका, देश का पिछड़ा से पिछड़ा किसान, सभी को ऋण उपलब्ध हो, ऐसा आरबीआई हमेशा चाहता है। ताकि इसका उद्देश्य क्या है आरबीआई का, आरबीआई का उद्देश्य देश का विकास हो सके। तो देश का विकास कब होगा, जब लोगों के पास समान मात्रा ऋण की उपलब्धता होगी, इसके साथ साथ वो उचित मात्रा में ऋण लेकर अपने कार्य को साध सकेंगे, तभी देश का विकास होगा। तो ये चीजें सुरक्षा हो सकता है। अब मार्जिन की आवश्यकता की बात करें, दूसरा है मार्जिन की आवश्यकता। सुरक्षा गारंटी के लिए चलाई गई संपत्ति, सुरक्षा गारंटी के लिए बताई गई संपत्ति का निश्चित प्रतिशत अथवा मांगी गई लोन का एक निश्चित प्रतिशत जितनी रकम का इकाई को प्राप्त हो सकता है, इस प्रतिशत को ऋण का मार्जिन कहते हैं। यानी सुरक्षा और गारंटी के लिए जो रकम बताई जाती है वो एक निश्चित प्रमाण में सुरक्षात्मक रूप से बैंक के अंदर ही रहती है। कहने का यह मतलब है कि एक निश्चित प्रतिशत लोन प्राप्त होता है और कुछ रकम मार्जिन के रूप में आपको मिल जाती है, यानी इसे मार्जिन कहा जाता है। अब ऋण की अधिकतम सीमा, किसी भी व्यक्ति को कितना ऋण लेना है वो डिसाइड करता है आरबीआई। भेदभाव आर्थिक ब्याज, अब इसका मतलब क्या है, हम इसका मतलब समझते हैं। भेदभाव आर्थिक ब्याज या भेदभाव युक्त ब्याज, तो अलग अलग प्रकार के ऋण के लिए अलग अलग ब्याज दर की पद्धति आरबीआई द्वारा निर्देशित की जाती है। अगर आप कार के लिए लोन ले रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आरबीआई आपके ऊपर ज्यादा लोन चार्ज ज्यादा लगाएगा, ब्याज दर ज्यादा लगाएगा। यदि आप घर के लिए लोन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास घर नहीं है, इसलिए आप घर के लिए लोन ले रहे हैं, आपको ब्याज कम चुकाना पड़ेगा। यानी इस प्रकार से आरबीआई ये डिसाइड करता है कि लोन किस प्रकार का है, उसी प्रकार से ब्याज दर निर्धारित की जाती है, ताकि लोग को अधिक
सभी लोग सुनिश्चित हो सके, इसी को हम भेदभावी क्लोन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज चैप्टर यही खत्म हुआ है और आपको इसका जो एक्सरसाइज है वो करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू वेरी मच।